नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम आ चुके हैं मुंबई के वर्ली इलाके में और आज हम दिखाएंगे इंडिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति यानी मुकेश अंबानी जी की बेटी ईशा अंबानी जी का घर। दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि इतने अमीर बाप की बेटी हैं तो उनकी शादी आखिर किससे हुई होगी। तो आप लोग इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे कि उनकी शादी किससे हुई है, उनके हस्बैंड कौन है और वो क्या आखिर में करते क्या हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ जानकारी मिलेगी और यह घर आप लोगों को देखने में एकदम डायमंड जैसा डायमंड का लुक होता है, आप लोग देख सकते हैं वैसे यह आकार दिया गया है। और इस घर का कीमत है 450 करोड़, यानी कि बड़े बड़े जो हीरो होते हैं उन लोग की फिल्में शूटिंग होती है उनका एक फिल्म की उतनी कमाई होती है जितनी इनकी घर की कीमत है, उतनी भी नहीं हो पाती है। तो आप लोग इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक और दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने अपने बेटी बिजनेसमैन का कमान अपने बच्चों को सौंप दी है। अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी और रिलायंस की टेलीकॉम जियो की जिम्मेदारी दी है। वह अपने इकलौती बेटी ईशा अंबानी को रिलायंस रिलेट वेंचर की बड़ी जिम्मेदारी के साथ डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया है। तीसरे और छोटे बेटे अनंत को आयल एवं एनर्जी का कारोबार सौंपा है। अगस्त 2022 में रिलायंस के 45वें AGM में इस बात की घोषणा की है। ईशा अंबानी ने अपना फैमिली बिजनेस 16 वर्ष की उम्र में ही संभालना शुरू कर दिया था। भारत में जियो के जरिए 4G इंटरनेट सर्विस लेने का विचार ईशा को आया और साल 2015 में 4G इंटरनेट लेन में अहम भूमिका निभाई। अगस्त 2022 में फेसबुक ने जियो और तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर 9.99% शेयर खरीदे। ईशा और उनके भाई आकाश दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। इनका जन्म EFF टेक्नोलॉजी के जरिए 23 अक्टूबर 1991 मुंबई में हुआ था। इनसे 4 साल छोटा भाई अनंत अंबानी, जिनका जन्म नेचुरल हुआ था। ईशा बचपन में टॉम बॉय स्टाइल में रहा करती थी, क्यों भाइयों में अकेली लड़की थी और भाइयों की लेडी बस भी थी। ईशा की शुरुआती पढ़ाई धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल मुंबई से शुरू। इसके बाद उच्च शिक्षा लेने अमेरिका चली गई। वहां के ले यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी और साउथ एशियन स्टडीज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद स्टैनफोर्ड ग्रेजुएशन स्कूल ऑफ बिजनेस में एडमिशन लिया। वहाँ से सफलतापूर्वक MBA की डिग्री प्राप्त की। ईशा बचपन में टीचर बनने का सपना देखती थी। इसके ट्रेंड या अनुवादक बजाने का शौक है। स्कूल के दिनों में फुटबॉल टीम का सदस्य हुआ करती थी, जिस वजह से इन्हें फुटबॉल काफ़ी पसंद है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कायरा अडानी और प्रियंका चोपड़ा ईशा की दोस्त हैं। अक्सर इन्हें ईशा के पारिवारिक फंक्शन में देखा गया है। कायरा तो ईशा की स्कूल दोस्त हैं। ईशा की अपने जुड़वा भाई आकाश के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। इन्होंने बताया कि आकाश की शादी मेरे शादी से पहले होने वाली थी और सगाई हो चुकी थी, लेकिन मेरी शादी के लिए खुद की शादी की तारीख को आगे बढ़ाया। 12 दिसंबर 2018 को ईशा अंबानी की शादी पीरामल इंडस्ट्री के मालिक आनंद पीरामल से हुई थी। इस शादी में बॉलीवुड की तमाम दिग्गज हस्तियां शामिल हुई थी। इसके अलावा देश दुनिया के कई मशहूर शख्सियतों ने इस शादी में शिरकत की थी। एक तरफ जहां शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सितारे डांस करते नजर आए थे, तो वहीं अमिताभ बच्चन और दूसरे सितारे भी इस पार्टी में ज़बरदस्त इंजॉय करते नजर आए थे। हालांकि इस शादी में एक बात जो आम लोगों को सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली लगी थी, वो ये कि बिग बी, ऐश्वर्या, आमिर जैसे दिग्गज सितारे इस शादी में खाना परोसते नजर आए थे। लोगों के लिए ये हैरान कर देने वाली बात थी कि इतनी सारी सुविधा होने के बावजूद इन दिग्गज सितारों ने शादी में मेहमानों को खाना क्यों परोसा था। आनंद पीरामल, इनका जन्म 25 अक्टूबर 1984 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। वर्तमान में यह 35 साल के हैं और
एक बिजनेसमैन हैं। वर्तमान में यह पिरामल हाउस वर्ली मुंबई में रहते हैं। इनका गृह नगर बागड़ जिला झुंझुनू राजस्थान में है। इनके पिता का नाम अजय पिरामल है जो एक व्यवसायी हैं, माता का नाम स्वाति पिरामल है जो एक व्यवसायी हैं और चिकित्सक भी हैं। नंदिनी पिरामल इनकी बड़ी बहन है। ईशा अंबानी इनकी पत्नी है जिनका विवाह 2018 में हुआ। आनंद पिरामल अपने करियर की शुरुआत 2015 में एक निवेश बैंकिंग कंपनी में निवेश के साथ शुरू किया था। अपने पहले निवेश के साथ वह $434 मिलियन इकट्ठा करने में सफल रहे। आगे चलकर इन्होंने कई और ऊंचे मुनाफा हासिल किए। आज आनंद पिरामल की कुल संपत्ति 450 करोड़ रुपए की है। दोस्तों, अगर आप लोग यह घर रियल में मुंबई में अगर हैं और पास से आकर के देखना चाहते हैं तो आप लोगों को लोकल स्टेशन परेल उतरना होगा और वहां से ऑटो लेना होगा और वहां से आप लोगों को वर्ली नाके पे आना होगा और बस वहीं पे आकर किसी से पूछेंगे गुलिटा हाउस ईशा अंबानी का घर कहां है तो आप लोगों को कोई भी बता देगा। और इस घर का दो गेट है, आप लोग देख सकते हैं, एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है। तो ये था आनंद पिरामल और ईशा अंबानी जी का बायोग्राफी और इनके घर का बायोग्राफी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट